सेल्फ मीट सर वेलकम टू एम जी स्मेथ टूटोरियल तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था हाउ टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसमें हमने छह अलग अलग टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे और हमने ऐसे वह देखा था कि इसको याद रखने का शॉर्टकट तरीका क्या है आज हम देखने जा रहे हैं रेसी जो हमने पिछली बार समझा दिया था लेकिन उसको याद रखने की एक ट्रिक

तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन कोसेक यहाँ पे कॉस है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन सेक यहाँ पे कोट है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन टेन आप देख सकते हो स्टूडेंट साइन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोसेक कॉस का रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक टेन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोट एज़ वेल ए स्टूडेंट्स हैव ऐसा भी बोल सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा स्टूडेंट्स ये मेथड बहुत अच्छी मेथड है याद करने के लिए ओके okay, स्टूडेंट्स तो चले अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर एट पॉइंट स्टूडेंट क्वेश्चन बोलता है इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर बीसी इज इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर डिटरमाइन साइन ए एंड कोस ए दूसरा बोला है एंड स्टूडेंट हमने अगले सेशन में ये क्वेश्चन ले लिया था तो भी आज हम उसको स्पीड से सोल्व करेंगे राइट स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है आपको देखना है आपको राइट एंगल ट्राइंगल में कौन कौन सी दो साइड गिवन है तो इसके अंदर आपको ए बी गिवन है दूसरा गिवन है बीसी तो आपको निकालना पड़ेगा लेंथ ऑफ ए सी

एंड कोस से दोनों जगह पे आपको एंगल ए पे ही फोकस करना है स्टूडेंट दोनों फंक्शन में आपको फाइंड करने के लिए एंड कोस ए ही गिवन है मतलब आपको एंगल तो ए ही लेना पड़ेगा तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे अपना एंगल ए ले रहा हूं इसको बोलता हूं थीटा आपको मालूम है स्टूडेंट्स साइन का फॉर्मूला क्या था हमने कल देखा था ओ अपॉन एच मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस तो ये एंगल की अपोजिट साइड कौन सी हुई बीसी क्या हुआ ए सी योर आंसर इज बी सी अपॉन ए सी इसका वैल्यू आपको ट्वेंटी मिला तो यहाँ पे मैं ट्वेंटी फाइव लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे लेंथ ऑफ सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव आगे देखते हैं स्टूडेंट कोर्स ए की वैल्यू कोर्स ए का मतलब आपको फोकस तो ए पे ही करना है और कोर्स का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट एडजस्टन साइड अपॉन हाइपोटेनियस तो एडजस्टन साइड कौन सी है

मतलब स्टूडेंट मेरे को साइंस सी की वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या देखा था हमने ओ अपॉन एच अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस तो ये एंगल की अपोजिट साइड ए बी और की वैल्यू ए सी इसका मतलब ए बी अपॉन ए सी योर आंसर इज ट्वेंटी फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव कोस सी की वैल्यू निकालनी है आपको तो कोस सी कौन सा एंगल लेना है सी पे आप हाथ रखो और इसकी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनिय फॉर्मूला आपको मालूम है स्टूडेंट क्या होता था एडजस्टन साइड अपॉन स्टूडेंट ओके स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू इन फिगर फाइंड टेन पी माइनस कोट आर स्टूडेंट ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में ही गिवन है आपको फाइंड करना है टेन पी माइनस कोट आर यानी कि आपको एक बार P एंगल लेना पड़ेगा और दूसरी बार आपको R एंगल लेना पड़ेगा ओके स्टूडेंट चलिए सबसे पहले देखते हैं आपको डायग्राम में क्या क्या गिवन है ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है जिसमें एंगल Q इज इक्वल टू नाइनटी गिवन है ओके okay, स्टूडेंट आपको लेंथ ऑफ पी क्यू ट्वेल्व गिवन है एंड लेंथ ऑफ पी आर थर्टीन गिवन है स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ से बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड द अनदर साइड ऑफ ट्राइंगल इसका मतलब हमें क्यू आर की लेंथ निकालनी है

तो स्टूडेंट वैल्यू ऑफ क्यू आर आपको क्या मिली फाइव यानी कि अब ये ट्राइंगल के अंदर मेरे पास सभी साइड नॉन साइड है सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे यानी कौन सा एंगल लेना पड़ेगा हमें ये वाला टेन का फॉर्मूला आपको याद है स्टूडेंट्स टेन का फॉर्मूला क्या होता था ओ अपॉन ए यानी ये एंगल की अपोजिट साइड अपॉन उसकी एडजेसेंट साइड मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स क्यू आर अपॉन पी क्यू योर आंसर इज फाइव अपॉन ट्वेल्व अब आगे क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स कोट आर तो आपको आर एंगल लेना पड़ेगा कोट का फॉर्मूला आप जानते हो स्टूडेंट्स कोट का फॉर्मूला क्या होता है ए अपॉन अपॉन ओ मतलब एडजेसेंट साइड साइड तो ये एंगल की अपोजिट साइड होगी पी क्यू इसका मतलब आप लिखोगे क्यू आर अपॉन पी क्यू मतलब फाइव अपॉन ट्वेल्व दिस इज योर आंसर आगे क्या बोला है स्टूडेंट्स इन दोनों का सब्ट्रेक्शन मांगा है टेन पी माइनस कोट आर तो क्या होगा स्टूडेंट टेन पी माइनस कोट आर टेन पी की वैल्यू फाइव ट्वेल्व को जीरो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं इफ साइन ए इज इक्वल टू थ्री बाई फोर कैलक्यूलेट कोर्स ए एंड टेन ए स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक बात नोट करनी जरूरी है क्या कि आपको क्वेश्चन में गिवन है साइन यानी कि हमने यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी बनाना है ट्राइंगल ए बी सी बनाएंगे और एक बात आपको याद रखनी है जिसमें एंगल ए नाइनटी हम नहीं ले सकते क्योंकि आपको यहाँ पे दिया है एंगल ए तो एंगल ए चाहे आप यहाँ पे भी ले सकते हो एंगल ए चाहे आप यहाँ पे भी ले सकते हो लेकिन एंगल ए यहाँ पे आप नहीं ले सकते क्योंकि ये एंगल तो राइट right एंगल होता है तो स्टूडेंट्स चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेट अस कंसीडर ट्राइंगल ए जिसमें एंगल बी इज इक्वल टू नाइन और आगे क्या दिया है स्टूडेंट्स साइन ए इज इक्वल टू थ्री बाई फोर ए एंगल ही हमें लेना है अगर एंगल ए हम लेते हैं तो उसमें का लगाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस यानी ये एंगल की अपोजिट साइड बी सी और हाइपोटेनियस होगा ए सी तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स साइन ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी वल टू जो वैल्यू हमें गिवन है थ्री बाई फोर इज इक्वल टू के एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि ये जो साइड होती है वो रेशियो फॉर्म में होती है थ्री बाई फोर इज द रेशियो फॉर्म ऑफ इसीलिए हमें यहाँ पे के लिखा और जहां पे कंडीशन स्टूडेंट है के डज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं हो सकती तो स्टूडेंट यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते है बीसी इज इक्वल टू थ्री के एसी इज इक्वल टू फोर के मतलब के कोई भी ऐसा नंबर है जिसके ये मल्टीपल्स में आती है अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको BC की वैल्यू 3K मिली AC की वैल्यू 4K मिली तो स्टूडेंट्स आगे हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड द अनदर साइड सबसे पहले यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है कौन कौन सी साइड गिवन है BC इज इक्वल टू थ्री एंड AC इज इक्वल टू फोर यानी कि आपको लेंथ ऑफ AB फाइंड करनी है एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर जिसमें आपके पास AC की वैल्यू है और दूसरी वैल्यू BC की है आपको ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी

यहाँ पे फोकस करो यहाँ पे कौन सा एंगल गिवन है ए यानी कि हमें यही एंगल से सारी बातें करनी है सबसे पहले हम निकालेंगे कोस ए कोस ए का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स आपको याद रखना पड़ेगा साइड अपॉन हाइपोटेनियस तो एडिशन साइड कौन सी हुई ए बी हाइपोटेनियस कौन सा हुआ ए सी योर आंसर इज अंडर रूट सेवन के अपॉन फोर के जिसमें के के की वैल्यू तो आगे जाके कैंसिल हो जाएगी आपको फाइनल आंसर मिलेगा अंडर रूट सेवन अपॉन फोर तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं टेन ए तो यहाँ पे फिर से आपको एंगल ए ही लेना पड़ेगा एंगल ए है और आगे टेन गिवन है इसका मतलब उसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स अपॉन एडजेसेंट एडजेसेंट साइड 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 कौन कौन सी है? BC, और का कौन सी गिवन गिवन है है और का तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स बीसी अपॉन ए बी बीसी की वैल्यू थ्री के और एबी की वैल्यू अंडर रूट सेवन के जिसमें यह के के वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी और आपको आंसर मिलेगा थ्री अपॉन अंडर रूट सेवन स्टूडेंट्स ये आपका फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं गिवन 15 कोट ए इज इक्वल टू एट फाइंड साइन ए एंड सेक है क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर सिमिलर टाइप क्वेश्चन है सिर्फ यहां पे आपको एक छोटा सा स्टेप करना पड़ेगा स्टूडेंट अगले क्वेश्चन में आपको साइन ए की वैल्यू डायरेक्ट गिवन थी साइन ए वहां पे आपको थ्री बाई दिया था यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसके बराबर कोट ए के बराबर तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं यहाँ पे आपको क्या गिवन है कोट 15 कोट ए इज इक्वल टू एट ऐसा आपको क्वेश्चन में ही गिवन है तो यहाँ से मेरे को कोट ए की वैल्यू निकालनी है तो कोट ए इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स एट अपॉन फिफ्टीन यहाँ पे आप देख सकते हो लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एंगल ए दिया है तो अगर डायग्राम बनाए तो हमें ए एंगल लेना पड़ेगा और कोट का मतलब होता है एडजस्टन साइड

सबसे पहले डायग्राम में नोट डाउन करो आपके पास कौन कौन सी वैल्यू गिवन है ए बी इज इक्वल टू एट के तो यहाँ पे एट के लिखेंगे सी इज इक्वल टू फिफ्टीन के तो यहाँ पे हम फिफ्टीन के लिखेंगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वा यहाँ पे एसी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है लेकिन एबी की वैल्यू एट के है और बीसी की वैल्यू फिफ्टीन के है इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा सिक्सटी फोर के स्क्वायर प्लस टू टू फाइव के स्क्वायर जो मिलेगा टू एटी नाइन के स्क्वायर यहाँ पे आपको एसी स्क्वायर की वैल्यू ए ये मिली अब आपको निकलनी है वैल्यू ऑफ ए सी इसका मतलब टू एटी नाइन का स्क्वायर रूट आएगा सेवनटीन के वैल्यू ऑफ ए सी आपको यहां से मिली स्टूडेंट सेवनटीन के अब तो बात खत्म आपके पास तीनों के तीनों साइड आ गए यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सेवनटीन के आप इजिली निकाल सकते हो कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी एंड सेक ए की वैल्यू क्या होगी आपको यहाँ पे फिर से देखना पड़ेगा कौन सा एंगल गिवन है ए तो यही एंगल रखना पड़ेगा यहाँ पे देखो एंगल ए ही गिवन है तो यहाँ पे ही आपको एंगल ए ही रखना पड़ेगा स्टूडेंट सबसे पहले निकालते हैं साइन ए साइन का मतलब होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस इसका मतलब बीसी अपॉन ए सी एसी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बीसी अपॉन ए सी एसी। ये हुआ फिफ्टीन के और इसका आंसर है सेवनटीन के तो वैल्यू ऑफ के इज कैंसल योर आंसर इज फिफ्टीन अपॉन सेवनटीन आगे बोला है स्टूडेंट ही वैल्यू निकालनी है सेक का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए उसका फॉर्मूला क्या है अपॉन एडजेसेंट साइड तो यहां पे ए सी और ये एंगल की एडजेसेंट साइड होगी ए बी तो मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट यहाँ पे एसी अपॉन ए बी इसका मतलब सेवनटीन के अपॉन एट के वैल्यू कैंसिल और ये आपका आ गया फाइनल आंसर सेवनटीन अपॉन एट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट अगर आपने अगले दो क्वेश्चन समझ लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है आप जो ट्राइंगल लेना चाहते हो वो ले सकते हो और एंगल आप कोई भी जगह पे सेट कर सकते हो सिर्फ वो एंगल 90 नहीं होना चाहिए राइट right, स्टूडेंट्स तो चलिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ट्राइंगल मैंने ले लिया

तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है एसी और ये एंगल की एडजस्ट साइड हुई ए तो आप ऐसा लिख सकते हो स्टूडेंट्स ए सी अपॉन ए बी इट मीन टक्वल टू के वैल्यू ऑफ ए सी आपको क्या मिलेगी थर्टीन के वैल्यू ऑफ ए बी आपको क्या मिलेगी ट्वेल्व के यहाँ पे आपको दो साइड तो है ऑलरेडी गिवन आपको सिर्फ तीसरी साइड निकालनी है कौन कौन सी साइड गिवन है यहाँ पे दिखा देता हूँ ए सी इज इक्वल टू थर्टीन के एंड ए बी इज इक्वल टू ट्वेल्व के आपको ये तीसरी साइड निकालनी है क्या निकालना है साइन ए साइन ए का मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस यानी फाइव के अपॉन थर्टीन के योर आंसर इज फाइव अपॉन थर्टीन आगे निकालना है कोस ए कोस ए का मतलब एडजस्ट साइड अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 13K, 12 के अपॉन 13 के 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 की वैल्यू कैंसल योर आंसर इज 12 अपॉन 13 टेन ए की वैल्यू निकालनी है 10 का मतलब अपोजिट साइड्स अपॉन एडजेसेंट साइड ये एंगल की अपोजिट साइड बी और एडजेसेंट साइड होगी ए इसका मतलब 12K, 5 के अपॉन 12 के वैल्यू ऑफ के के इज कैंसल योर आंसर इज 5 अपॉन ट्वेल्व आगे आपको फाइंड करना है कोट ए कोट ए का मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड तो ये एंगल की एडजेसेंट साइड होगी ए बी और अपोजिट साइड होगी बी सी योर आंसर इज ट्वेल्व के अपॉन फाइव के वैल्यू ऑफ के के इज कैंसल योर आंसर इज ट्वेल्व बाई फाइव आगे फाइन करना है कोशेक हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड तो ये होगा आपका हाइपोटेनियस और ये एंगल की होगी अपोजिट साइड योर आंसर इज थर्टीन के अपॉन फाइव के वैल्यू ऑफ के के इज कैंसिल अपॉन फाइव